बच्चों, आज हम आयनिक इक्विलिब्रियम का वीडियो नंबर फोर्थ लेके आपके सामने आ गए। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया हैं। आज फोर्थ वीडियो में बात करने जा रहे हैं कॉमन आयन इफेक्ट की। तो कॉमन आयन इफेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि कॉमन आयन इफेक्ट इसके बाद करीब करीब हर लेक्चर में थोड़ा बहुत यूज हो जाएगा, कहीं ना कहीं यूज होगा। अगला लेक्चर बफर सॉल्यूशन का है, पूरा कॉमन आयन इफेक्ट पे बेस्ड है। एक टॉपिक आएगा सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, वहां भी कहीं ना कहीं बीच में कॉमन आयन का यूज होगा। मतलब एक जनरल कंसेप्ट है कॉमन आयन, चैप्टर का नाम आयनिक इक्विलिब्रियम, तो आयन से रिलेटेड एक कंसेप्ट है, कोई बहुत नई चीज नहीं। चलो देखते हैं। मेरा नाम अलख पांडे, हमारा आपका प्यारा सा चैनल फिजिक्स वाला। चलिए, सो वेरी गुड आफ्टरनून। मेरा तो आफ्टरनून है, आपकी इवनिंग है तो वेरी गुड इवनिंग, और नाइट है तो गुड नाइट। सोना मत, कॉपी पेन निकाल लो, चूहे को मार दिया तो खा के बैठ जाओ, वरना बाद में खाना वीडियो के। चलो, सो हेडिंग डालेंगे कॉमन आयन इफेक्ट। छोटा टॉपिक है, मस्त टॉपिक है कॉमन आयन इफेक्ट। डेफिनेशन लिखोगे? पहले डेफिनेशन लिख लो, मतलब क्या बोलता है ये। द सप्रेशन इन डिसोसिएशन ऑफ A weak electrolyte in the presence of a strong electrolyte, both having a common ion. इसको हम बोलते हैं कॉमन आयन इफेक्ट, द सप्रेशन इन डिसोसिएशन ऑफ अ वीक इलेक्ट्रोलाइट। भाई साहब, वीक इलेक्ट्रोलाइट बहुत ज्यादा डिसोसिएट करता है कि कम? कम करता है। पहले ही वो कम डिसोसिएट कर रहा था और उसको और सप्रेस, मतलब और दबा दिया। सप्रेशन इन डिसोसिएशन मतलब डिक्रीज इन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। सप्रेशन इन डिसोसिएशन मतलब डिक्रीज इन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। देखो, एक तो वीक इलेक्ट्रोलाइट पहले ही कम डिसोसिएट कर रहा था और उसका डिसोसिएशन और कम हो गया। भाई साहब, एकदम वो आयंस में बदल ही नहीं पा रहा है। द सप्रेशन इन डिसोसिएशन डिक्रीज इन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ अ वीक इलेक्ट्रोलाइट, कोई एक वीक इलेक्ट्रोलाइट होगा, इन द प्रेजेंस ऑफ अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, जब कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट आ जाए। Both having a common ion. Condition क्या है? Condition है कि strong और weak electrolyte दोनों के पास एक common ion होगा। चलिए example से इसको समझते हैं। मैं दो electrolyte लूंगा, एक weak एक strong। तो weak में मैं ले लेता हूं, weak में ले लेता हूं, weak में ले लेता हूं। बोलो बोलो बोलो, खुद से बोलो, कोई भी weak electrolyte बोलो। मैंने मैं weak में ले लिया, कोई weak acid बताओ, ये ले लिया। चलो ये ले लिया HCN, हाइड्रोजन साइनाइड। इट इज अ वेरी वीक एसिड, मुझ पर भरोसा करो, इट इज अ वेरी वीक एसिड। साथ में एक स्ट्रॉन्ग एसिड ले लो, चलो, पर कॉमन आयन होना चाहिए। कोई एक इलेक्ट्रोलाइट ले लो, कॉमन आयन हो, एसिड नहीं ले रहा। मैंने ले लिया KCN। KCN कैसा इलेक्ट्रोलाइट है? स्ट्रॉन्ग। क्यों? क्योंकि उसके अंदर के प्लस है, ठीक है। ये एक सॉल्ट है, सॉल्ट कब स्ट्रॉन्ग होता है? सॉल्ट का इलेक्ट्रोलाइट तब स्ट्रॉन्ग होता है जब या तो उसका कैटायन स्ट्रॉन्ग बेस से आया हो, या तो एनायन स्ट्रॉन्ग एसिड से आया हो, या दोनों ही स्ट्रॉन्ग से आए हो। फिर से, ये एक एसिड है, वीक एसिड है, HCN बहुत ही कमजोर एसिड होता है, बहुत ही कमजोर होता है, और एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट चाहिए था ना। ये तो बोला नहीं एसिड चाहिए, बेस चाहिए, तो मैंने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ले लिया KCN। KCN क्यों स्ट्रॉन्ग है? सॉल्ट है, सॉल्ट स्ट्रॉन्ग कब होता है? जब उसका या तो कैटायन स्ट्रॉन्ग बेस से आया हो, या तो एनायन स्ट्रॉन्ग एसिड से आया हो। तो आप देख रहे हो K कहां से आया है? KOH स्ट्रॉन्ग बेस, तो इज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। आओ जरा HCN का डिसोसिएशन देखो। HCN वीक है तो पार्शियली डिसोसिएट किया, क्या देगा? H प्लस CN माइनस, पार्शियली डिसोसिएट किया, बहुत कम किया होगा, वीक है। KCN स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग है तो 100% डिसोसिएशन।
100% डिसोसिएट किया, क्या देगा? K प्लस और CN माइनस। ये दोनों चीज एक ही सॉल्यूशन में है। अब देखो, एक वीक इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएट कर रहा, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट भी है, और दोनों के पास एक कॉमन आयन भी है CN का। क्या बोला है? द सप्रेशन इन डिसोसिएशन ऑफ अ वीक इलेक्ट्रोलाइट, इसका डिसोसिएशन और कम हो जाएगा। इसका डिसोसिएशन जो इस तरफ ये जा रहा था रिएक्शन, फॉरवर्ड डायरेक्शन में बिल्कुल नहीं जाएगा, अब ये बहुत कम जाएगा। इसका डिसोसिएशन और कम हो जाएगा जब कॉमन आयन आएगा। क्यों ऐसा क्यों होगा? देखो यहां पे क्या हुआ, इसको रिएक्शन को समझो, इसके रिएक्शन को समझो। ये मस्त अपना इक्विलिब्रियम में आ गया। किसमें आ गया? इक्विलिब्रियम में। जितना डिसोसिएट होना था हो चुका, जितना H प्लस बनना था, जितना CN माइनस बन चुका, जितना HCN बचना था बच चुका। इक्विलिब्रियम चल रहा है, मस्त खुश है। इसकी खुशी में अचानक से प्रॉब्लम आई जब सॉल्यूशन में CN माइनस के आयंस और आ गए। मान लो ये बढ़िया मस्त डिसोसिएट होके बैठा था प्यार से इक्विलिब्रियम में, ठीक है, जितना CN बनना था बना, जितना HCN था खुश। सडनली सॉल्यूशन में KCN आया और उसने सॉल्यूशन में खूब ढेर सारे CN माइनस आयन दिए। खूब ढेर सारे देगा क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, पूरा डिसोसिएट हो गया। इसको ऐसा लगेगा कि CN माइनस का कंसंट्रेशन सॉल्यूशन में बढ़ गया है, इसको ऐसा फील होगा सॉल्यूशन में CN माइनस का कंसंट्रेशन बढ़ गया है, इसका इक्विलिब्रियम बिगड़ने लगेगा। कोई भी चीज होती है अपने इक्विलिब्रियम को संभालना चाहती है। ली चैटलियर्स प्रिंसिपल नहीं याद है तो भी चलेगा। ली चैटलियर में हमने यही पढ़ा था कि अगर इस तरफ का कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो रिएक्शन बैकवर्ड जाएगा, याद है? अगर इस तरफ किसी चीज का कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो रिएक्शन फॉरवर्ड, और इस तरफ किसी चीज का कंसंट्रेशन बढ़ा देंगे तो रिएक्शन बैकवर्ड। ली चैटलियर्स में पढ़ा था, नहीं याद कोई दिक्कत। CN माइनस का कंसंट्रेशन बढ़ने लगा इसकी वजह से। अब ये इक्विलिब्रियम नाराज हो गया। भाई इक्विलिब्रियम होती है स्टेबल कंडीशन, एकदम मस्त स्टेबल बैठे थे, अचानक से CN माइनस का कंसंट्रेशन बढ़ने लगा। इक्विलिब्रियम परेशान कि यार हमारी स्टेबिलिटी जा रही है। ये कहेगा भैया जितना CN माइनस है एक्स्ट्रा उसको H प्लस से कंबाइन कराते हैं और रिएक्शन को बैकवर्ड भेज देते हैं। जितना CN एक्स्ट्रा मिल रहा था वो पीछे चला जाएगा, वापस क्या आ जाएगा? इक्विलिब्रियम। सो ड्यू टू ली चैटलियर्स प्रिंसिपल, अब प्रिंसिपल मुझे लिखना है तो मुझे यही लिखना पड़ेगा, ड्यू टू ली चैटलियर प्रिंसिपल। जैसे हमने देखा यहां पे क्या हुआ, सडनली CN माइनस का कंसंट्रेशन बढ़ा, रिएक्शन किधर भागेगा? जैसे बोलते थे ना इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट होगा, इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा बैकवर्ड। अगर इसमें प्रॉब्लम है यूट्यूब पे टाइप करें ऊपर ली चैटलियर प्रिंसिपल फिजिक्स वाला, तो आपको केमिकल इक्विलिब्रियम में एक पूरा वीडियो मिलेगा ली चैटलियर का, थोड़ा बहुत देखोगे समझ जाओगे। अगर इस तरफ किसी चीज का कंसंट्रेशन बढ़ता तो इक्विलिब्रियम को नाराज हो जाता, कहता यार कंसंट्रेशन बढ़ रहा है इसको कम कर देते हैं, रिएक्शन फॉरवर्ड भागता। इस तरफ की चीज का कंसंट्रेशन बढ़ा तब भी इक्विलिब्रियम नाराज, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो रहा है, कह रहा है ये बढ़ रहा है इसको पीछे ले आओ, जो बढ़ रहा है उसको CN माइनस को H प्लस से रिएक्ट करा के रिएक्शन बैकवर्ड ले आओ, वापस इक्विलिब्रियम मिल जाए। इक्विलिब्रियम कभी अपनी पोजीशन को छोड़ना नहीं चाहता, मैंने कई बार बताया है। जैसे मान लो ये क्या है, एक रिंग है, क्या है रिंग, इस रिंग में मान लो नीचे वाली पोजीशन पे एक बॉल रखी है, क्या रखी है बॉल, इक्विलिब्रियम में है बॉल मस्त एकदम, इस बॉल को थोड़ा सा ऊपर करके छोड़ो वापस कहां आएगी, इक्विलिब्रियम में। इस बॉल को इधर डिस्टर्ब कर दो वापस इक्विलिब्रियम, तो इक्विलिब्रियम को जब भी डिस्टर्ब करोगे इक्विलिब्रियम खुद को वापस अचीव करना चाहता है, वही यहां पे होगा। तुमने एक्स्ट्रा इलेक्ट्रोलाइट डाला, एक्स्ट्रा CN माइनस आया, CN माइनस की कंसंट्रेशन बढ़ी, इक्विलिब्रियम को ये बात पसंद नहीं, उसने कहा CN माइनस को H प्लस से रिएक्ट कराओ और रिएक्शन की शिफ्टिंग बैकवर्ड कर दो। ओवरऑल एक प्रॉब्लम होगी कि H प्लस आयन के कंसंट्रेशन कम हो जाएंगे क्योंकि CN माइनस उसको रिएक्ट करके ले जाएगा। CN पे तो कोई दिक्कत, CN तो बढ़ जाएगा, ये इसने अबंडेंट CN दे दी है खूब सारे। ओवरऑल इस बेचारे का डिसोसिएशन कम हो जाएगा, ये पीछे चला जाएगा, इसका फॉरवर्ड रिएक्शन और कम, बैकवर्ड और ज्यादा। क्लियर है? द सप्रेशन इन डिसोसिएशन, इसका डिसोसिएशन कम हो जाएगा। अब इस तरह के हजारों एग्जांपल बन सकते हैं। दो इलेक्ट्रोलाइट चाहिए हमको, एक वीक एक स्ट्रॉन्ग। अभी एक एग्जांपल से और समझाते हैं, टेंशन मत लो। एक वीक इलेक्ट्रोलाइट एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है ना, चलिए तो हम एक वीक इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं फिर से, इस बार वीक बेस ले लेते हैं। तो वीक बेस हमने लिया, ये बड़ा फेमस है NH4OH,
और स्ट्रॉन्ग में एक सॉल्ट ले लेते हैं जिसके पास कॉमन आयन हो, तो मैंने ले लिया NH4Cl, ये स्ट्रॉन्ग सॉल्ट है क्यों? चलो ये तो कहां से आया, वीक बेस से NH4OH से, ये कहां से आया है? HCl, HCl इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड। सॉल्ट का एक भी कंपोनेंट स्ट्रॉन्ग से आया है तो सॉल्ट इज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ये तो आया वीक बेस से NH4OH से, ये स्ट्रॉन्ग एसिड से HCl से स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। अब NH4OH वीक है तो रिवर्सिबल का सिंबल NH4+OH-, रिवर्सिबल क्यों बनाया? क्योंकि ये वीक है, पूरी तरह से डिसोसिएट नहीं करेगा। ये खुश था, मस्त इक्विलिब्रियम आ गया था, मस्त एकदम खुश बैठा हुआ था। सडनली आपने सॉल्यूशन में NH4Cl डाल दिया, ये 100% डिसोसिएट कर गया। 100% डिसोसिएट किया तो हमें मिला NH4+ और क्या मिला? Cl-। अब NH4+ के आने से क्या होगा? इस इक्विलिब्रियम को ऐसा लगेगा कि सॉल्यूशन में NH4+ का कंसंट्रेशन बढ़ गया है। इक्विलिब्रियम को फील होगा कि सॉल्यूशन में NH4+ का कंसंट्रेशन बढ़ गया है, और इक्विलिब्रियम कोई भी चेंज लाना नहीं चाहता, तो वो कोशिश करेगा कि इसके कंसंट्रेशन को हम कम कर दें। कैसे कम करेंगे? जो NH4+ आया है वो OH- से रिएक्ट करेगा और क्या बना लेगा? NH4OH। मतलब ये रिएक्शन किधर जाना स्टार्ट कर देगा? इन दी बैकवर्ड डायरेक्शन, या आप बोल सकते हो जो इक्विलिब्रियम है इस रिएक्शन का, इक्विलिब्रियम है जो इस रिएक्शन का, वो शिफ्ट हो जाएगा बैकवर्ड। सिंपल ली चैटलियर्स प्रिंसिपल लगाते हैं और वहीं से डिफाइन होता है कॉमन आयन इफेक्ट। कोई पूछे कॉमन आयन इफेक्ट के पीछे प्रिंसिपल कौन सा है, तो आप बोलोगे इसके पीछे प्रिंसिपल है ली चैटलियर्स प्रिंसिपल। ली चैटलियर्स, प्लानिंग पे स्पेलिंग पे ध्यान ना दें, भावनाओं पे ध्यान दें, ली चैटलियर्स प्रिंसिपल। क्लियरली इसी का काम हो रहा होगा। क्या अब NH4OH फॉरवर्ड की तरफ नहीं जा पाएगा, मतलब इसका डिसोसिएशन कम हो जाएगा। ओवरऑल क्या इफेक्ट हुआ? ओवरऑल इफेक्ट ये हुआ, डिसोसिएशन ऑफ NH4OH, कैसा इलेक्ट्रोलाइट है? वीक इलेक्ट्रोलाइट इज सप्रेस्ड, उसका डिसोसिएशन कम हो गया इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट NH4Cl, बोथ हैविंग अ कॉमन आयन NH4+। ओवरऑल सॉल्यूशन में क्या होगा? सॉल्यूशन में ओवरऑल NH4+ का कंसंट्रेशन बढ़ेगा। अरे इक्विलिब्रियम कितना भी कम कर ले, ओवरऑल तो कंसंट्रेशन बढ़ेगा कितना? अरे यार ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, बात समझो, ये बहुत ढेर सारे मोल्स देगा इसके, ये कितना पीछे जाएगा, इसकी इतनी वो नहीं है कि पूरी तरह से कम कर पाए, और ओवरऑल सॉल्यूशन में OH- का कंसंट्रेशन कम हो जाएगा। भाई यहां इतने NH4 आएंगे, OH से रिएक्ट करके रिएक्शन को पीछे ले जाएंगे। क्लियर है? बहुत बढ़िया। अब चलो एक सिंपल से क्वेश्चन का आंसर देना। आपसे हम एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन पूछेंगे, व्हाई द कंसंट्रेशन ऑफ सल्फाइड आयंस फ्रॉम H2S डिक्रीजेस इन द प्रेजेंस ऑफ HCl? बता सकते हैं? H2S वीक इलेक्ट्रोलाइट, H2S इज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट, डिसोसिएट करेगा 2 मोल्स ऑफ H+ H2-, बस इक्विलिब्रियम खुश सही चल रहा है, सल्फाइड की कंसंट्रेशन मस्त स्टेबल, कोई दिक्कत नहीं। अचानक से HCl आ गया, HCl इज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, पूरी तरह से डिसोसिएट किया, 100% डिसोसिएट किया, मिला H+ और Cl-। इस इक्विलिब्रियम को डर लगने लगा, इस इक्विलिब्रियम को ऐसा फील हुआ कि H+ का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, इस तरफ कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, यह चीज यह बर्दाश्त नहीं करेगा, यह तुरंत इस H+ को जो एक्स्ट्रा आए हैं सल्फाइड से रिएक्ट करा के रिएक्शन किधर भेजेगा? बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो ये जो नए H+ आ रहे हैं किससे रिएक्ट करेंगे? सल्फाइड आयन से, H+ H2- से रिएक्ट करके विल फॉर्म H2S, ये रिएक्शन बैकवर्ड जाएगा। इस प्रोसेस में क्या होगा? सल्फाइड आयन का कंसंट्रेशन कम हो जाएगा,
ये रिएक्शन फॉरवर्ड तो अब आ ही नहीं पाएगा क्योंकि बैकवर्ड जा रहा है बहुत ज्यादा, और सल्फाइड आयन जितने भी थे उनको ये एच प्लस यूज करता जा रहा है। सो दिस इज द रीजन, जैसे एक लाइन में आप लिखोगे ड्यू टू कॉमन एन इफेक्ट, और समझाने का आ गया तीन नंबर का सवाल तो ऐसा कर दोगे, ठीक है, तो बोर्ड लेवल के सवाल हो गए, मिटा दें, क्लियर है। चलिए अब तक आपको समझ में आ गई होगी कहानी, जरा न्यूमेरिकल देखते हैं, और न्यूमेरिकल में भी मैं नए नए एग्जाम्पल लूंगा, पूरा बफर जब खेलेंगे ना तो बफर में भी पूरी यही खेल रहेगा। चलिए देखिए कि कॉमन आयन के लिए न्यूमेरिकल कैसे बन सकते हैं। चलिए मेरे पास क्वेश्चन है, कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ, कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयंस इन अ सॉल्यूशन ऑफ HCl एसिड 0.2 मोलर एंड Ka इज इक्वल्स टू 10^-5। अब तक ये सब तो आपको समझ में आ गया होगा, K वगैरह, K इज नॉट 10^-5, K गिवन है 4×10^-10, बहुत वीक एसिड है, देखो K इसका बहुत छोटा, विथ KCN कंसंट्रेशन है 1 mole/L। आपसे H प्लस आयन की कंसंट्रेशन पूछ रहा, चलिए इस न्यूमेरिकल में आपको हेल्प करेंगे, अगला न्यूमेरिकल आप खुद से करेंगे। हाँ, तो इसमें वीक इलेक्ट्रोलाइट ये है क्योंकि इसका K वगैरह दिया है, तो समझ जाओ वीक है, K वैसे भी वीक चीजों का ही डिफाइन होता है, स्ट्रॉन्ग चीजों का K नहीं लिखते हैं, वैसे भी HCN वीक है पता है। सो HCN डिसोसिएट्स टू गिव्स H प्लस एंड CN माइनस। अब न्यूमेरिकल पे आ गए, अगर आपने पिछले वीडियोस देख रखे हैं तभी ये न्यूमेरिकल समझ में आएगा, बेसिकली सेकेंड वीडियो आयनिक इक्विलिब्रियम का आपने देखा है। तो HCN की कंसेंट्रेशन 0.2 मोलर, इसको C मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, ये जीरो, ये जीरो। HCN का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा मान लो, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना मान लिया अल्फा, एक मोल में से कितने मोल डिसोसिएट करेंगे अल्फा। सो इनिशियली मेरे पास कितना HCN है C, फिर मैं इक्विलिब्रियम पे पहुंचा, एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम तक कितने मोल डिसोसिएट कर गए, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा है, मतलब एक मोल में से अल्फा मोल निकलते, पर यहां तो सी मोल है, एक से अल्फा निकलते तो दो से दो अल्फा निकलेंगे, तीन से तीन अल्फा, और सी से सी अल्फा, तो कितना HCN चला गया, सी अल्फा गया, कितना बचा सी माइनस सी अल्फा, शुरुआत में सी था, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा, तो सी में से कितना चला गया सी अल्फा, बचा कितना सी माइनस सी अल्फा। अगर ये एक मोल खत्म होता तो एच प्लस एक मोल बनता, पर ये कितना खत्म हुआ है सी अल्फा, तो एच प्लस भी सी अल्फा, सी एन माइनस भी सी अल्फा, एक से एक एक बनता तो सी अल्फा से सी अल्फा सी अल्फा। अब सुनना, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, अब मैं यहां से K की इक्वेशन लिखूंगा जो अब तक आपको आ गई होगी लेक्चर्स देखते देखते, इक्वेशन होगी एच प्लस का कंसेंट्रेशन सी एन माइनस का कंसेंट्रेशन अपॉन एच सी एन का कंसेंट्रेशन। के ए को कहते हैं आयनाइजेशन कॉन्स्टेंट, या समझ लो इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट इस रिएक्शन का। अब सुनो ध्यान से, H प्लस का कंसेंट्रेशन C अल्फा रखने से पहले सुनो, और CN माइनस कंसेंट्रेशन C अल्फा रखने से पहले सुनो कि सॉल्यूशन में CN माइनस और भी है। देखो कहीं से ये इक्वेशन ये नहीं कहती कि यहां पे जितना CN है वो रखो, नहीं, ये इक्वेशन कहती है कि इक्विलिब्रियम पे सल्यूशन के अंदर जितना CN माइनस है वो यहां पे पुट करो। तो सल्यूशन में CN माइनस सिर्फ यहां से नहीं आया, वहां से भी आएगा भाई साहब, KCN भी डिसोसिएट करेगा, KCN 100% डिसोसिएट, K प्लस CN माइनस, कितना है ये 1 mole/L, मतलब 1 m मोलैरिटी, ये 0 0, ये थोड़ी देर बाद 0 हो जाएगा, ये 1 1, अरे यस और नो, एक मोल से एक मोल बनेगा, और 100% डिसोसिएट कर रहा है, अल्फा वाला जाम भी नहीं उसमें, कोई अल्फा वाला झंझट भी नहीं है, एक मोल से पूरा एक मोल बन जाएगा, तो एक मोल खत्म हो गया, 1 1 बन गया। अब यहां पे जो CN माइनस की कंसेंट्रेशन है वो कहीं ऐसा नहीं लिखा है कि इस इक्वेशन की CN माइनस, ना इक्विलिब्रियम में
सॉल्यूशन की जो CN- माइनस की कंसेंट्रेशन है वो रखनी है। सो वापस आते हैं, सो KA की वैल्यू पुट करो, 4 × 10⁻¹⁰ इज इक्वल्स टू H+ की कंसेंट्रेशन बोलो C अल्फा, CN- माइनस की C अल्फा प्लस 1 वहां से डिवाइडेड बाय HCN की कंसेंट्रेशन C माइनस C अल्फा। अब एकदम सही है, अब सुनो कुछ अजम्पशन। अल्फा बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी होता है, हम लोग कई बार पढ़ चुके हैं कि अल्फा की वैल्यू 0.05 से भी छोटी होती है भाई, बहुत वीक एसिड है इसका के देख रहे हो, ये इतना डिसोसिएट नहीं करेगा, बहुत कम डिसोसिएट, बहुत कम, इसका अल्फा बहुत छोटा, एक मोल में से इसका 0.05 मोल मैक्सिमम डिसोसिएट कर पाएगा, 100 में से 5 मोल डिसोसिएट करेंगे बस, एक में से 0.05, तो अल्फा बहुत छोटा है। और सी कितना है 0.2। एक बात बताओ मुझको, 1 प्लस बहुत छोटी क्वांटिटी इनटू 0.2, ये क्वांटिटी 1 से और छोटी हो जाएगी, जरा सोच के बोलो। लिखा है सी अल्फा, ब्रैकेट में सोचो सी की जगह 0.2 और अल्फा बहुत छोटी क्वांटिटी है 0.05 से भी छोटी, प्लस 1, नीचे देखो सी कॉमन 1 माइनस अल्फा। अब मुझे बताओ क्या 1 के सामने ये क्वांटिटी कोई मैटर करेगी, मेरे ख्याल से तो नहीं करेगी क्योंकि अल्फा भी बहुत छोटा है, छोटा छोटा मल्टीप्लाई होके इसके सामने करीब करीब 0, तो इसको निगलेक्ट कर दिया, सी से सी कट गया। एक और बात सुनो, अल्फा अगर इतना छोटा है तो अल्फा 1 से तो बहुत छोटा हो गया, इतना छोटा है तो 1 से तो बहुत छोटा हो गया, यानी 1 माइनस अल्फा को नियरली 1 ले सकते हैं, सो इट विल बी व्हाट, अल्फा इनटू 1, और 1 माइनस अल्फा को अपन ने कितना ले लिया 1, तो सीधा अल्फा की वैल्यू अपने को मिल गई 4 × 10⁻¹⁰, सीधा अपने को डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मिला 4 × 10⁻¹⁰। सवाल क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ एच प्लस आयन, एच प्लस का कंसंट्रेशन सी अल्फा, सी कितना है 0.2, अल्फा कितना है 4 × 10⁻¹⁰, 2 × 4 = 8, और ये पॉइंट उधर गया, 8 × 10⁻¹⁰ मोलर, मोल्स पर लीटर एच प्लस की कंसंट्रेशन। द आंसर विल बी यस, इट विल बी 8 × 10⁻¹⁰ मोल्स पर लीटर, या मोलारिटी एम बोल दो। क्लियर हुआ ये बात बच्चों, थोड़ी सी अटपटी लग रही है आज, पर ये रियलिटी है। हुआ क्या ना, और सी एन माइनस आने से ये इक्विलिब्रियम पीछे जाएगा, तो अल्फा की वैल्यू कम हो गई, अगर ये ना होता ना, ये ना होता तो अल्फा की वैल्यू इससे ज्यादा आती, अगर ये चीज यहां पे एब्सेंट होती तो अल्फा इतना छोटा ना आता, इससे बड़ा आता, थोड़ा सा ही बड़ा आता, पर बड़ा आता, अल्फा की वैल्यू कम हो जाती है, डिसोसिएशन कम हो जाता है बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ कॉमन आयन। सीएन के आने से क्या हुआ, सीएन के आने से ये टर्म बढ़ गया। क्लियर है, चलिए मिटा दें, ओके, चाहो तो उसके एब्सेंस में अल्फा निकाल के देख लो, मैं अभी खटाक से निकालता हूं। आपको शॉर्टकट याद है, शॉर्टकट याद है, अल्फा की वैल्यू अंडर रूट के बाई सी, कई बार लिखी है मैंने, जरा देखो, ये तब होगा जब ये प्रेजेंट नहीं है, नॉर्मली अल्फा की वैल्यू नॉर्मली आती है के बाई सी, तो के कितना है 4 × 10⁻¹⁰ और सी कितना है 0.2, सो इट विल बी वॉट 2 × 2 = 4 अंडर रूट 2 × 10⁻¹⁹, सो वॉट विल इट बी, अंडर रूट 2 हो जाएगा 1.414 × 10⁻¹⁹, मतलब 10⁻⁴.5, देखो उससे बड़ा आ रहा, ये अल्फा बहुत बड़ा है यार, जब KCN प्रेजेंट नहीं है तो अल्फा के बाई सी से निकालते थे हम, याद है वीक एसिड का ऑस्वाल्ड्स डाइल्यूशन लॉ, याद है कि सब ऐसे ही जा रहा, सेकेंड लेक्चर में पढ़ाया था अच्छे से, तो इसका अल्फा ये आना चाहिए था, पर इसका अल्फा कम आया बिकॉज ऑफ कॉमन आयन इफेक्ट, फील हुआ, बहुत बढ़िया, अगर फील हुआ तो चलिए एक न्यूमेरिकल आप अपने आप करके दिखाएंगे, पक्का ओके, सो द नेक्स्ट न्यूमेरिकल वी हैव इज कैलकुलेट, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैलकुलेट द कंसेंट्रेशन ऑफ एच प्लस आयंस इन अ मिक्सचर ऑफ 0.02 मोलर
एसिटिक एसिड एंड 0.1 मोलर सोडियम एसिटेट Ka for acetic acid is अब जो दिया है वही use करना, असल में ये value होती नहीं है, calculation आसान है इसलिए मैंने value थोड़ी change कर ली, is इतना find concentration of H plus ions. चलिए अपने आप कर लीजिए, pause करके अगर try करना हो तो कर लीजिए, मैं करने जा रहा हूं. Okay. एसिटिक एसिड इज CH3COOH. कैसा एसिड है? वीक. सो ये पार्शियली डिसोसिएट किया CH3COO- plus H plus. कंसेंट्रेशन मान लेंगे इसका हम, दे रखा है शायद, ये रहा इसका कंसेंट्रेशन, हम मान लेते हैं इस कंसेंट्रेशन को C. तो C 00. एसिटिक एसिड का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा मान लिया, तो इक्विलिब्रियम पे C माइनस सी अल्फा, ये सी अल्फा, ये सी अल्फा, आप तो समझ में आ रहा है ये. अब इसके लिए हम लिखेंगे इक्वेशन फॉर के ए इज इक्वल टू सी एच थ्री सी ओ ओ माइनस का कंसेंट्रेशन एच प्लस का कंसेंट्रेशन डिवाइडेड बाई सी एच थ्री सी ओ ओ एच का कंसेंट्रेशन. क्या सिर्फ यहां की कंसेंट्रेशन रखनी है कि सोल्यूशन की? सोल्यूशन की. क्या सोल्यूशन में और कोई आयंस आ सकते हैं? जरा ध्यान से देखो, सोडियम एसिटेट से कुछ आयंस आने वाले हैं. कहां से? सोडियम एसिटेट. सोडियम एसिटेट क्या होता है? CH3COONA. इट इज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट. वाई स्ट्रॉन्ग? ये पार्ट तो आया है एसिटिक एसिड से, ये तो वीक है, बट Na कहां से आया है? NaOH स्ट्रॉन्ग बेस से, तो इसलिए इट इज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट. सो CH3COONA 100% डिसोसिएट करके देगा CH3COO- plus Na+. कितनी कंसेंट्रेशन है? 0.1. तो ये 0.1 था, ये 0.0, थोड़ी देर बाद ये 0 हो जाएगा, ये 0.1 और 0.1. बोलो समझ में आया? 100% डिसोसिएट, जितना था पूरा डिसोसिएट कर गया. एक मोल से इसका एक मोल, एक मोल से इसका एक मोल. अब आओ यहां पे, के की वैल्यू कितनी है? 10^-5. तो के की जगह मैंने रखा 10^-5 इज इक्वल टू CH3CO- की कंसेंट्रेशन यहां से C अल्फा, और वहां से भी लेनी पड़ेगी 0.1. H प्लस की कंसेंट्रेशन यहां से C अल्फा डिवाइडेड बाई CH3COH की कंसेंट्रेशन C माइनस C अल्फा. नाउ सेम थिंग, C की वैल्यू देखो बहुत छोटी है 0.02, और अल्फा भी बहुत छोटा होगा 0.05 से भी छोटा होता है. वीक एसिड का अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बहुत कम होता है, 5% से भी कम, इससे भी कम, बहुत कम डिसोसिएट करता है. सी भी छोटा, अल्फा भी छोटा, तो 0.1 के सामने एक क्वांटिटी देखो यार, सी की वैल्यू कितनी है? टाड़ा टाड़ा टा. अल्फा की वैल्यू कितनी होगी? मान लो 0.05 मान लो मैक्सिमम. अब दोनों मल्टीप्लाई करो इस टर्म से, तो बहुत छोटा हो जाएगा ना, कितना हो गया? 10^-2, 10^-2, 10^-4 में जा रहा है एक्सप्रेशन, -3 में, या 10^-1 है. इसके सामने ये नेग्लिजिबल है, करके देख लेना, इसके सामने ये नेग्लिजिबल है. सी भी छोटा, अल्फा भी छोटा, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे क्या मिलेगा तुम्हें जिंदगी से? कुछ नहीं मिलेगा. अपॉन 100 दोनों मल्टीप्लाई किया 25 या 10 बटे 10^4, तो 10^-3 तो मिल रहा, और ये 10^-1 है. 10^-3 मतलब 0.001 के सामने इसकी कोई औकात नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है, एक्सक्यूज मी. सो सी अल्फा यहां से आपको पता है, ठीक है, यहां नीचे सी कॉमन होगा, एक सी कट जाएगा. चलो लिखता हूं मैं. सो 0.1 इंटू, ये इग्नोर कर दिया इसके सामने, सी अल्फा अपॉन सी कॉमन 1 माइनस अल्फा, सी से सी कट गया, और 1 माइनस अल्फा को हम क्या लिखने वाले हैं बोलो? 1 माइनस अल्फा को नियरली 1, क्योंकि अल्फा बहुत छोटा है. सो दिस विल कम आउट टू बी 0.1 इंटू अल्फा अपॉन 1. यहां से अल्फा की वैल्यू आपको मिलेगी 0.1 मतलब 10^-1, तो अल्फा आएगा 10^-4. सो फाइनली वी गेट अल्फा इज इक्वल टू 10^-4. ये 0.1 लिखा है, इसको 10^-1 लिख सकते हो, ये इधर जाएगा नीचे 10^-1, ऊपर ऐड हो जाएगा, तो 10^-4 अल्फा मिल गया. कंसेंट्रेशन ऑफ एच प्लस कितनी है? सी अल्फा. सी कितना है? 0.02. अल्फा कितना है? 10^-4. दिस इज द आंसर. कितना हो जाएगा? 2 इंटू 10^-6.
है ना, 0.022 π - 2 और -4, 2 × 10⁻⁶। क्लियर है अब तो? अब आ गया, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप पक्का खुद से करोगे, शायद एक क्वेश्चन और है, कितना लाया हूं मैं, हाँ बस एक क्वेश्चन और है, चलिए अगला आपके भरोसे में दे रहा हूं, मिटार दूं? ओके मिटार दे, ओके। कॉमन लाइन इफेक्ट समझ में आ गया, चलिए नेक्स्ट वाला आप खुद से सॉल्व करिए, छोटा सा टॉपिक, दिल कहता है चल उनसे मिल। तो भाई साहब डिटरमाइन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, एक और था क्वेश्चन प्यारा सा, मिल नहीं रहा, लाया था क्या मैं कि नहीं लाया था, नहीं लाया, डिटरमाइन कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस इन 0.4 मोलर NH4OH सॉल्यूशन हैविंग 5.35 ग्राम NH4Cl इन अ 1 लीटर सॉल्यूशन Ka फॉर NH4OH 1.8 × 10⁻⁵ गिवन है, एटॉमिक मास नाइट्रोजन 14, हाइड्रोजन 1, क्लोरीन 35.5। यू हैव टू फाइंड द कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस। मैं चार ऑप्शन दे देता हूं आपको, ए बी सी डी, चार ऑप्शन है आपके पास, 6.4 × 10⁻⁴, 7.2 × 10⁻³, 6.4 × 10⁻⁵, 7.2 × 10⁻⁵। ये चार ऑप्शन है आपके पास, चलिए ट्राई करेंगे आप एक बार। इसका एक कंसेप्ट और है छोटा सा, पढ़ा देंगे ये, पहले क्वेश्चन खुद से ट्राई करो, पॉज करके ट्राई करो पूरा सवाल, कॉमन आयन इफेक्ट के कंसेप्ट पे। ओए हो, ये तो थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, कोई टेंशन नहीं, दिखाई पड़ रहा है, ओके। हो गया, चलिए करते हैं ये। सो NH4OH इज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट, ये एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, वीक बेस है, डिसोसिएट्स टू गिव NH4+ + OH-। ओके, इसी कंसेंट्रेशन को मैं C लिख लेता हूं, 0 0, इक्विलिब्रियम पे C - C अल्फा C अल्फा C अल्फा, इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा आपने अब तक मान लिया होगा खुद से ही। इसके लिए इक्वेशन लिखोगे, इस बार K नहीं KB लिखोगे, के क्यों लिखा है, छी केबी होगा, बेस है ना, एक्सक्यूज मी फॉर दैट। तो केबी हो जाएगा इक्वल टू, बोलो NH4+ की कंसेंट्रेशन इनटू OH- की कंसेंट्रेशन डिवाइडेड बाय NH4OH की कंसेंट्रेशन। बहुत बढ़िया, केबी की वैल्यू बोलो, केबी की वैल्यू है 1.8 × 10⁻⁵ इज इक्वल्स टू, अब रुको, क्या और भी कुछ आयंस हैं, बिल्कुल, NH4Cl, एक कहानी और चल रही, NH4Cl स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, 100% डिसोसिएट, स्ट्रॉन्ग क्यों है, क्योंकि Cl कहां से आया, HCl से, सो NH4+ + Cl-। अब NH4Cl का कंसेंट्रेशन क्या है, नहीं दिया, इसका मास दिया है 5.35 ग्राम। तो NH4Cl के मोल्स निकालने पड़ेंगे, तो आइए मोल्स निकाल लें, NH4Cl की बात करो, नंबर ऑफ मोल्स NH4Cl के, मास गिवन अपॉन मोलर मास, कितना मास गिवन है, 5.35, मोलर मास कितना हो जाएगा, N इज 14, H चार बार हो गया 4, Cl 35.5, 4 4 8 5 13 1 4 1 5 53.5 ग्राम,
ये हो गया मोलर मास, तो मोलर मास इज 53.5। देखो बढ़िया वैल्यू सेट करके दी थी इन्होंने खुद ही। तो टिंगड़ंग डिंगड़िंग डंगड़ांग डिंगड़ांग डू क्या आएगा ये 0.1। तो इसके कितने मोल हैं? 0.1 मोल हैं। कंसेंट्रेशन कितना हो जाएगा इसका? एक लीटर में है तो 0.1 मोल इन 1 लीटर, तो कंसेंट्रेशन 0.1 हो गया इसका, 0.1 मोलर हो गया, 0.1 मोल्स इन 1 लीटर। ये 0 0, थोड़ी देर बाद ये 0 हो जाएगा, ये 0.1 और 0.1 पूरा डिसोसिएट कर गया। सो NH4 प्लस का कंसेंट्रेशन यहां से कितना रखोगे? C अल्फा, वहां से कितना? 0.1। OH माइनस का कंसेंट्रेशन C अल्फा, और NH4OH का C माइनस C अल्फा। देखो एक आदत मत बनाओ कि इसको हमेशा इग्नोर करना है। आदत पड़ गई कि इसके सामने ना हमेशा मत कर देना। मान लो कभी ये बहुत कम आ गया, जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है वो बहुत वीक है उसका कंसेंट्रेशन। मान लो 10^-4 होता, आ रहा है 0.1, मान लो 0.001 होता, तो तब ये निग्लेक्ट नहीं होता, तब सॉल्व करते, तब सी अल्फा को एक्स मान लेते, क्वाड्रेटिक या जो भी अपनी बनती क्यूबिक इक्वेशन, नीचे वाला तो खैर निग्लेक्ट कर ही लोगे, सी के सामने सी अल्फा छोटा है, क्वाड्रेटिक बन जाएगी, उसको सॉल्व करना पड़ेगा। मतलब एक चीज मैं बता दे रहा हूं, मैक्सिमम केस में 90% केस में निग्लेक्ट हो रहा है, पर ऐसा कोई रूल नहीं है बच्चों। मान लो इफ ऐसी एक बता दे रहा हूं, NH4Cl की कंसेंट्रेशन मान लो ये देते 10^-4 मोलर, तब आप सी अल्फा को निग्लेक्ट नहीं कर पाते। 10^-4 के सामने सी अल्फा छोटा ना होता भाई, सी भी 0.4 है, अल्फा भी मान लो भाई अल्फा छोटा है, मान लो अल्फा 0.05 हो गया, तो 0.05 × 4 तो 5 × 4 = 20, मतलब इतना छोटा नहीं हो रहा ना, तब इग्नोर नहीं करोगे। तो तब क्या करना, तब सी अल्फा को एक्स लिख लेना, तो एक्स की क्वाड्रेटिक मिलेगी, फिर एक्स को सॉल्व करना, फिर एक्स इज इक्वल्स टू वापस सी अल्फा रखना, सी की वैल्यू पता है, अल्फा निकाल लेना। याद रखोगे? समझ में आया? हाथ उठाएं, कोई फायदा नहीं दिखाई नहीं पड़ा, फिर भी चलो मैं मान गया, क्लियर। खैर यहां पर निग्लेक्ट होने वाला हमको पता है, क्योंकि ये बहुत बड़ी क्वांटिटी है, अल्फा 0.05, सी है कितना 0.4, मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा 4 × 5 = 20, 10^-1, 10^-2, 10^-3, यानी 2 × 10^-2 तो आ ही रहा है कम से कम, 4 × 5 = 20, 4 × 10^-1, 5 × 10^-2, यानी आ रहा है ये 0.02। अब 0.1 के सामने 0.02 एक छोटी क्वांटिटी है, कितना हो जाएगा ये 0.12 हो जाएगा। अगर ये अल्फा मैक्सिमम हुआ तब, इसमें एक कंडीशन भी है कि अल्फा की वैल्यू बहुत ज्यादा मान रहे हैं अपन, 0.05 बहुत बड़ी वैल्यू है, अल्फा की वैल्यू इतनी बड़ी होती नहीं है, अल्फा की जो वैल्यू है बहुत छोटी होती है। अल्फा की अगर मान लो NH4Cl प्रेजेंट नहीं है, तो अल्फा की वैल्यू होगी अंडर रूट KB/C, यानी अंडर रूट 1.8 × 10^-5 अपॉन सी कितना है 0.4, अप्रोक्सीमेटली देखते हैं, 28 को 16 मान लो, 4 × 16 बाहर आएगा 2 × 10^-2.5, ये आ रही अल्फा की वैल्यू 2.5 कैसे लिखो गया, -2 मान लो, चलो मतलब अल्फा की वैल्यू ये आ रही है 0.02, तुम 0.05 मैक्सिमम मान रहे थे और 0.25 है और छोटी इससे, ये अल्फा की एग्जैक्ट वैल्यू होती, यानी अल्फा बहुत छोटा है अभी भी, पर उस केस में बता रहा हूं जहां वो चीज बड़ी हो जाए तब निग्लेक्ट ना करके एक्स। खैर इतनी बातें मैंने बताई ताकि आप डील कर सको ऐसा क्वेश्चन जहां पे, मतलब एग्जाम में देखना पड़ेगा कि कंपेरेबल है कि कंपेरेबल नहीं है, तो हमें पता है कंपेरेबल नहीं है तो टेंड्स टू जीरो कर दिया, यहां से सी कॉमन होगा, सी से कट जाएगा 1 - अल्फा, फिर ये 1 आ जाएगा, यहां तक सबको समझ में आया, सी कॉमन होगा सी से कट जाएगा, 1 - अल्फा को हम 1 मान लेंगे, अल्फा की वैल्यू यहां से आ जाएगी हमारे पास 0.1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, अल्फा कितना हो जाएगा 0.18 × 10^-5 या 0.1, तो 18 × 10^-5, सही लिख रहा हूं कुछ गलत लिख रहा हूं, 18 × 10^-5 अल्फा मिल गया। अब आपसे क्या पूछा है, कंसेंट्रेशन ऑफ OH माइनस कितनी है, C अल्फा, तो C अल्फा निकाला जा सकता है, कितना हो जाएगा C की वैल्यू बोलिए 0.4 अल्फा 18 × 10^-5, सो कितना हो जाएगा 18 × 4 = 72, दिस विल बी 7.2 × 10^-5, ऐसा कोई ऑप्शन, ऑप्शन डी 7.2 × 10^-5, क्लियर है? कब एजम्पशन मानना है, थोड़ा समझ में आ गया, मिटा दें, बहुत बढ़िया। चलिए पिछले वीडियो में जहां मैं आपको पीएच निकालना सिखा रहा था, तो मैंने पीएच का फॉर्मूला बताया वगैरह वगैरह बातें की थी आयनिक इक्विलिब्रियम 03 में,
फिर मैंने मिक्सचर का पीएच निकाला था, वो मेरा अभी तक यूट्यूब का मेरा जितने मैंने 300-350 वीडियो के सबसे लेंदी वीडियो था, आज सुबह मैंने उसको एक शॉट में बनाया था, 1 hour 40 minutes के आसपास चला गया। लास्ट में एक टॉपिक छोड़ दिया था उसमें, और अच्छा हुआ छोड़ दिया था, वो यहां पे कवर होना चाहिए कॉमन एंड इफेक्ट में। मैं मिक्सचर्स का पीएच निकालना सिखा रहा था, ये फिर टेढ़ा हो गया, क्या सिखा रहा था, मिक्सचर्स का पीएच। तो मिक्सचर्स के पीएच में हमने वीक स्ट्रॉन्ग एसिड का निकाला था, स्ट्रॉन्ग बेस स्ट्रॉन्ग एसिड का। आज हम सीखेंगे वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड का। देखो कॉमन आयन इफेक्ट का केस होगा ये, पक्का होगा 100%। वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड एग्जांपल समझ में आ जाएगा आपको। हमसे कहता है कि आप पीएच निकालो ऐसे केस का, एग्जांपल दे रहा है, मेरे पास H2S है 0.1 मोलर, जिसका Ka दे रहा है 1.2 × 10⁻²⁰, बहुत छोटा, बहुत ही वीक एसिड दे रहा, और साथ में HCl दे रहा, HCl कंसेंट्रेशन है 0.3 मोलर। हमसे कहा है इन दोनों के इक्वल अमाउंट हमने मिलाए, अब हमें बताइए पीएच क्या होगा सॉल्यूशन का। आइए देखते हैं, पीएच पता है ना कैसे निकलता है, -log10H+ की कंसेंट्रेशन, तो हमें H+ की कंसेंट्रेशन चाहिए। H+ यहां से भी मिलने वाला है, यहां से भी मतलब कॉमन आयन इफेक्ट लगने वाला है, H2S दिख रहा है वीक एसिड, सो H2S डिसोसिएट्स टू गिव 2H+ H2-, इसी कंसेंट्रेशन इसको मैं C मान लूं 0 0, दिस विल बी C-C alpha C alpha C alpha, इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा मान लिया। यहां से इक्वेशन लिखोगे इसके K की, K इज इक्वल्स टू H+ की पावर 2 होगी, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखना आता है ना, यहां जो भी चीज होती है कोफिशियंट में वो पावर में चली जाती है। आई होप आपको ये आता होगा, यहां जो भी चीज लिखा होता है न्यूमेरिकल वैल्यू वो पावर में। चलो के की वैल्यू पुट करेंगे, के की वैल्यू है 1.2 × 10⁻²⁰ इज इक्वल्स टू, अब देखो ये जो एच प्लस की वैल्यू है H+ यहां से भी आएगा और यहां से भी आएगा, तो जरा HCl वाला कहानी भी देखते हैं। HCl इज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, 100% डिसोसिएट H+ और Cl-, ये कितना था 0.3, ये 0 0, थोड़ी देर में ये 0 होके ये 0.3 0.3, एक मोल से एक मोल, एक मोल से एक मोल। सो H+ की टोटल कंसेंट्रेशन हमें रखनी पड़ेगी C alpha + 0.3, सल्फाइड की तो यहीं से आ रही सिर्फ C alpha, नीचे H2S is C-C alpha। अब आपको फिर वही 0.3 के सामने सी अल्फा क्या होगा, बहुत छोटा होगा भाई, देख रहे हो उसका K कितना छोटा है, बहुत ही गरीब एसिड है ये, इसका अल्फा बहुत छोटा होगा, तो सी अल्फा विल बी नेग्लेक्टेड, जीरो हो जाएगा इसके सामने, यहां से सी कॉमन होगा, सी सी कैंसिल, फाइनली यू विल गेट व्हाट 0.3 × अल्फा मेरे ख्याल से, क्योंकि 1 - अल्फा को 1 ले लेंगे, सब समझ में आ रहा है, सी लेंगे कॉमन, सी सी कैंसिल, 1 - अल्फा करीब करीब 1 के बराबर, 0.3 × अल्फा, यहां से अल्फा की वैल्यू 1.2 × 10⁻²⁰ डिवाइडेड बाई 0.3, ये हटा, सो अल्फा इज इक्वल्स टू 4 × 10⁻²⁰, ये आपको अल्फा मिल गया। आपको निकालना क्या है, पीएच, पीएच कैसे निकलेगा, H+ की कंसेंट्रेशन से, H+ की कंसेंट्रेशन क्या है, एक तो सी अल्फा है और एक तो 0.3 है, सो H+ की टोटल कंसेंट्रेशन कितनी होगी, C alpha + 0.3, कोई मतलब ही नहीं यार, ये तो निगलेक्ट हो जाएगा, खत्म, निकाल लो पीएच, अब कर लोगे, अरे सी कितना छोटा है देख रहे हो, अरे सॉरी अल्फा कितना छोटा है, 4 × 10⁻²⁰ × 0.1, कोई इसको मिलाने से इसके पीएच पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसको मिलाने से इसके पीएच पे कोई इतना भी नहीं पड़ रहा, अल्फा की वैल्यू बहुत छोटी है, इसमें ऐड ही नहीं होगा, सो H+ की कंसेंट्रेशन विल बी 0.3, और यू कैन से H+ इज इक्वल टू 3 × 10⁻²⁰, क्लियर है, पीएच निकाल दूं कटाक से, पीएच कितना होगा, -log10 कंसेंट्रेशन ऑफ H+ 3 × 10⁻²⁰, log a into b माइनस बाहर रखो, सो log a प्लस log b, log a into b, log a प्लस log b, सो log 3 की वैल्यू बच्चों फेमस वैल्यू होती है, पिछले वीडियो में मैंने कई बार बताई 0.47, और log 2 की वैल्यू मैंने आपको कई बार बताई
0.30, log 3 की होती है 0.477, log 2 की होती है 0.30, so log 3 की 0.47, ये 10 power minus 1, तो minus 1 बाहर आ जाता है power वाले चीज, ये ऐसे negative लगाया, तो 1 minus 0.47, so answer will be what, 0.53, the pH of this solution is 0.53. तो इस तरह से वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड का जब कॉम्बिनेशन हो तो पीएच निकालना है, और उसमें कॉमन एन इफेक्ट का खेल था, अब आप समझ गए होंगे, इसीलिए पिछले वीडियो में नहीं बताया, हमेशा निगलेक्ट नहीं करना है, ये बात अब समझ गए हो आप। मान लो अभी यहीं पे HCl कंसंट्रेशन 10 की पावर माइनस 20 होता तो ये कंपेरेबल हो जाती क्वांटिटी, तब कैंसिल नहीं करते, सी अल्फा को एक्स मानते, यहां पे एक्स, यहां वाला सी अल्फा तब भी निगलेक्ट हो जाता इसके सामने, सी के सामने, क्योंकि सी तो बड़ा था 0.1। क्लियर है? तो ये था पूरा वीडियो हमारा कॉमन आयन इफेक्ट पे। तो नेक्स्ट वीडियो आ रहा है बफर पे, तब तक पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।